उसमें कर दे। ओके कॉस्ट मत करो, उसको बोलो भाई तू डॉग की फीडिंग कर दे, तू गाय को रोटी खिला दे, ये मैं करती हूँ। एनर्जी एक्सचेंज है ना, किस फॉर्म में लेना है वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं बोलती हूँ भाई अगर तेरे एक बिस्किट की सामर्थ्य है ना, तू भरे ही 2 रुपए वाला जो पार्ले जी का बिस्किट आता है वो लेके तू गाय को खिला दे, बंदर को खिला दे, किसी भी एनिमल को फीडिंग करा दो। और जब भी हम फैमिली में आप किसी की भी रीडिंग कर रहे हैं, अभी आप रीडिंग करना सीखेंगे, आपकी आपकी ननद, आपकी भाभी, एवरीवन विल कनेक्ट यू, ठीक है, सब कोई आपसे कनेक्ट करेगा। अब फिर वो आपसे पूछेंगे यार पैसे कितने, कुछ लोग तो नहीं पूछते, बट अगर कुछ लोग पूछते हैं तो आपने सिंपल बोलना है कि भाई देख फैमिली वालों से मैं पैसे नहीं लूंगी, बट एनिमल्स को मेरे नाम से फीडिंग करा देना। आपको मालूम है इसका भी जो कर्मा है ना वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, बिकॉज आपके कर्म की वजह से किसी भूखे जानवर को खाना मिल रहा है, ठीक है, तो ये पूरा कर्मा साइकिल है। ओके और मेघा जी, मैं तो ये कह रही हूँ आपका कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज मतलब वर्थ है, एक एक पेनी भी वर्थ है। जब मैं ये डेफिनेटली सोचती थी इतना सब कुछ करा दिया ना आपने, मतलब हमें इसमें घुसने में भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, पर मैम हैट्स ऑफ टू यू, मतलब आपने इतने अच्छे से डिजाइन किया ये कोर्स, मतलब इतनी सी भी कोई गुंजाइश नहीं बची है किसी भी चीज की। अब मैं भी यही थैंक कहना चाहूंगी कि एक्चुअली मैम ने जो सिखाया है ना, मैंने पहले भी टैरो किया था, मेरी हाँ सारी की सारी फीस बर्बाद हो गई। और सच बोलूं तो मैं, मुझे लगता है मैं 10% भी नहीं सीखी थी, और अब मुझे सही में इतने में भी बहुत बहुत मजा आ रहा और बहुत सीखा, बहुत सीखा। थैंक यू पूनम जी। ये कर्मा होता है, ये कर्मा बिल्टअप हो रहा है, क्योंकि मैं आपसे जो ले रही हूँ मैं उससे ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो मेरा कर्मा बिल्टअप होगा, नेक्स्ट बर्थ में मुझे वो विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज आप बेशक पूजा पाठ मत करिए, आप नहीं कर सकते मंत्र जाप मत करिए, बट अपने कर्मा को जरूर चेक कीजिए कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। मेरे पास किसी की पेमेंट आती है और उसने मेरी एक क्लास दी, मैडम मुझे अच्छी नहीं लगी, भाई तू अपनी पेमेंट वापस ले, मुझे नहीं रखना। और पता है लोग अप्रिशिएट करके जाते हैं, मेघा जी आप मतलब फर्स्ट हमने ऐसा कोई पर्सन देखा है, वरना इस फील्ड में लोग इतने करप्ट हो चुके हैं, पैसे लेने के बाद रिटर्न करना तो भूल जाओ, बोलेंगे कि कोई और सर्विस ले लो। हम बीच की वर्कशॉप्स में निकाल देते हैं, पूरी वर्कशॉप भी नहीं कराते। जी मैं आपको बताऊं ना मैम, ऐसा ही हुआ था एक्चुअली। पता है मैंने क्या सीखा है टैरो में? सिर्फ वो जी जो टैरो का है वो मीनिंग, और रिवर्स आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आपको लगता है उसको देना चाहिए तो दो। अरे ये तो फिर गलत नहीं हुआ कि अगर मेरी मर्जी आई सामने वाले क्लाइंट को मुझे नहीं देना? अरे रिवर्स आया, इसका मीनिंग अच्छा नहीं यार, छोड़ वो बेचारा डिप्रेस हो जाएगा, या मुझे तो अच्छा ही दिखाना है तो मैं उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बताऊंगी, बट ये तो गलत हुआ। और गलत है। उसके बाद फिर बस ये उसका मीनिंग नहीं, किसको क्या है, किसको मतलब ये कितने टाइम में होगा, कितने मंथ में होगा, कुछ नहीं। मतलब आप सोचिए कि क्या सीखा हम लोगों ने, सिर्फ यही कि टैरो ऐसे करने का, ये स्प्रेड करने का, ये कार्ड निकालना है। और पता है क्या बोला, क्लाइंट को तो बिल्कुल कार्ड छूने मत देना, अगर क्लाइंट छू देगा तो उसकी एनर्जी इसके अंदर चली जाएगी। क्लाइंट अगर छुएगा नहीं तो बताएगा कैसे कि उसको ये वाला कार्ड निकालो? उससे पूछना तो पड़ेगा ना हमें स्प्रेड करके। तो लोग ना बस हवा बनाना जानते हैं, चीजों का कंफ्यूज करना जानते हैं। एक्चुअली लोगों को जब तक डराएंगे नहीं तो जब तक लोग उस चीज की वैल्यू नहीं समझेंगे। टीचर्स के दिमाग में आजकल ये और एक नया पैतरा आ गया है, जब तक लोगों को डराओगे नहीं, बच्चों को डराओगे नहीं, वो आपको वैल्यू नहीं करेंगे। मैं तो बिंदास बोलती हूँ भाई करो, कुछ गलत भी होगा ना मैं खड़ी हूँ पीछे, करो तो आप प्रैक्टिस तो करो, जब तक करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि गलत कहाँ पे कर रहे हो आप। मम्मा एक मैम मेरे क्वेश्चन पास ना, एक ऐसे ही एक लड़की आई क्वेश्चन थी, जी और वो बोलती है कि उसने 6 महीने पहले किसी के पास करवाया था, उन्होंने बोले मुझे 15 मिनट में जी फोन में बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो 6 महीने में तेरा सब कुछ हो जाएगा, ठीक अच्छे से हो जाएगा। तो बोले ठीक है। बोले मैम 6 महीने के बाद उसका और भी खराब, मतलब जो जो बोला था वो तो हुआ ही नहीं, बोले उससे बदतर हो गया। और फिर जब वो आई थी मेरे पास, तो जब आपसे सीखना शुरू कर लिया, और उसका बेसिक ही था, 2-3 क्वेश्चन थे, तो मैंने किया जैसे जैसे आपने बताया था वैसे ही, बुलाना करना सारे सिंबल ड्रॉ करके, देन उसका जो भी निकला वो मैंने उसको, उसको फॉरेन जाने का था ये भी सब था, बट फिर उससे देखा हमने तो उसका नहीं हो रहा था, कि मैंने कहा 2 साल तक तेरे कोई चांसेस नहीं है, और फिर आपकी मेहरबानी से एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली है तो कसम भी चेक कर लिया। हाँ।
तो उसमें भी उसका नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा देखो टैरो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मतलब टैरो भी नहीं बोल रहा है कि तू नहीं जा सकती और तेरा कस्प भी बोल रहा है कि तू नहीं जा सकती. तो बोलती हाँ बिल्कुल सही, और अभी अभी सही में ये हो रहा है. और मैम कितना अच्छा लगा कि कस्प से ये पता चला कि उसने लॉ मैरिज की है और उसका डिवोर्स भी हो चुका है. तो बोलती आपको कैसे पता चला, तो मुझे इतना मजा आया कि उसको लगा जैसे पता नहीं क्या जादू कर रहे हैं. मैंने कहा नहीं नहीं ये बस सीखा है हमने, इससे पता चल रहा है कि ऐसा ये होता है. तो मतलब फर्क पड़ता है इन सब चीजों से कि कितना फर्क पड़ा. वो भी कहीं और करवा के आई है तो देखो उसको मतलब मजा नहीं आया. राइट. वो खराब बोला उसने, बट उसने और मैंने भी बहुत ज्यादा तो नहीं किया था, पर अभी जो आपके साथ इतना सीखने के बाद किया उससे बहुत फर्क पड़ा मतलब. गुड. क्लाइंट भी सेटिस्फाई हुआ. वही तो चाहिए, क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपके पास घूम के आएगा, कहीं नहीं जाएगा वो. उसको अब अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, अब मैं कुछ भी कोर्स कराऊंगी आपको मालूम है भाई हमने कहीं नहीं जाना है. यही सेटिस्फेक्शन लेवल आपने अपने स्टूडेंट्स को अपने क्लाइंट्स को देना है कि आप उनको अच्छे से गाइड करें. थैंक यू सो मच पूनम जी. जी श्वेता जी आपका कुछ है क्वेरी? एक्चुअली मैम ने सबसे पहले पहली वाली क्लास में बताया है जिसका चंद्रमा डाउन रहता है उसको बाद में थोड़ा ये होता है, तकलीफ होता है. मेरी एक फ्रेंड ने 25,000 देके खाली बेसिक किया है, उसमें उसको खाली उसकी मैम ने 3 स्प्रेड सिखाए, वो भी परफेक्ट नहीं सिखाए. उन्होंने बोला कि अपने आप ही मीनिंग लगाना है, अपना अपना खुद ही वो अंडरस्टैंड करना है, सिचुएशन के हिसाब से आपको मीनिंग बताना है. तो वहीं पे ये भी बात उन्होंने इनडायरेक्टली सिखा दी कि न्यूट्रल नहीं रहना है, अपने हिसाब से मीनिंग बताना है. क्लाइंट वापस आए इसलिए तो उस दिन मैं गई थी वो फ्रेंड के पास, उन्होंने रीडिंग करी एक लेडी की. उसके बाद में उनको इतना लो फील हो रहा था तो मैंने उनको बताया नहीं कि मैं टैरो सीख रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार पूछा था कि मुझे बताइए मुझे करना है करना है, लेकिन अच्छा हुआ कि नहीं पता चला मुझे उनका नंबर वगैरह और मैम से कनेक्ट हो गई मैं. तो मैंने उनको मैम की रेमेडी बताई कि आप ऐसे ऐसे करो, पानी में नमक डाल के आप थोड़ी देर बैठो, उसके बाद में आपको अच्छा लगेगा. और हमेशा ऐसे करो, आपका अगर चंद्रमा डाउन होगा इसलिए आपको तकलीफ हो रही है. वो उनका कॉल आया था 2 दिन पहले, आपने वो बताया ना उससे मुझे इतना अच्छा लग रहा है, नहीं तो हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफ होती थी. जब भी मैं किसी का रीडिंग करती थी तो मुझे इतनी तकलीफ होती थी और मुझे हेडेक होता था. अब भी वो पूछ रही है मुझे, तो मैंने बोला कि नहीं तुम्हारा वो तुम कंप्लीट कर लो पहले, आगे और कौन सा क्लास लगाए, तुम्हारी पूरी एक्सपीरियंस आने के बाद में तुम्हें मेरी मैम का नाम बताऊंगी, उसके बाद में तुम कंसल्टिंग ले लेना एक, और उसके बाद में तुम अगर चाहो तो ज्वाइन कर लो. वो मैम ने उन्होंने मैम 4,000 रुपीज लिए और उनको बताया क्या कि तुम्हारे बेटे के ऊपर बंगाली जादू विद्या हो गया, उसका कुछ हो नहीं सकता, उसका कुछ उपाय नहीं है और ये टैरो में पता चला है तो हो गया. ये एक सेंटेंस के उन्होंने 4,000 रुपीज लिए, बाकी कुछ भी नहीं बताया. मैंने बोला क्या जरूरत थी, वेस्ट ऑफ मनी, मतलब कुछ यूज नहीं. आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने लेट ज्वाइन किया है इसलिए थोड़ा मुझे डिफिकल्ट जा रहा है मतलब सबके साथ मैच करने में, लेकिन जैसे जैसे वीडियो देख रही हूँ तो बाद में मतलब बुक या पीडीएफ फाइल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके, अगर वीडियोज ही कंटिन्यू देख लूंगी ना तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, इतना इजीली अंडरस्टैंड होता है. थैंक यू श्वेता जी, बट मैं एक चीज बोलूंगी, आपने बेशक लेट ज्वाइन किया है, वीडियोस कंटिन्यूटी में देखोगे ना तो पकड़ लोगे, इन लोगों से आगे निकल जाओगे. अगर पैशन है ना तो आप किसी को भी पीछे पछाड़ सकते हो, मुझे भी पीछे पछाड़ सकते हो. पैशनेट होकर मैं हमेशा बोलती हूँ यार, बीइंग अ फीमेल वी आर नॉट बॉर्न ओनली फॉर कुकिंग एंड ठीक है यार वो एक लाइफ का पार्ट है, बट अगर अपने पैशन को कभी भी मत भूल.